कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और ये साहित्य की एक झलक जो सीरीज आप लोगों को दी जा रही है, आज साहित्य की एक झलक सीरीज की ये 14वीं सीरीज है। सुबह ही लोगों को PDF भेज दिया गया है इस सीरीज की। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भी PDF चाहिए, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है, साहित्य की एक झलक के लिए सिर्फ साहित्य की एक झलक सीरीज का ही PDF मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आप हमारे नंबर पर साहित्य की एक झलक लिखकर WhatsApp करेंगे और फिर आपको ये PDF मिल जाएगी, जिससे आप देख रहे हैं कि ये वीडियो है, ये प्रश्न आप देख रहे हैं। नंबर के लिए आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर आप साहित्य की एक झलक लिखकर WhatsApp कर दीजिए तो आपको यह PDF मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें, पूरे प्रश्न देखें। हमारे यहाँ आज से नया बैच प्रारंभ हुआ है, निबंध इकाई से नया बैच प्रारंभ हुआ है, जिसमें आज निबंध का विकास कराया गया। रात में लाइव कक्षा होगी इसी पर आधारित। सुबह PDF दिया गया, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर दिया गया है। आप UGC NET, TGT PGT या UPSC हायर के लिए लगना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या फ़ीस होगी, सारी जानकारी आप हमारे इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। फीस में 1000 रुपये की छूट दी गई थी प्रारंभ के 20 स्टूडेंट के लिए, जो कि पूरे हो चुके हैं। बाकी सारी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। ये वीडियो पब्लिश वीडियो है, पब्लिश वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप लोग शेयर करें और भी अपने मित्रों को भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के इन प्रश्नों को देखते हैं। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्तदान कर रही थी। उपरोक्त प्रकृत वर्णन किस उपन्यास का है? मैलाचल, गोदान, बलचनामा, जुलूस। आपका उत्तर हो जाएगा बी, गोदान। अब बहुत सारे लोग गोदान पढ़े होंगे, लेकिन जब प्रकृत वर्णन की बात आती है तो कहते हैं कि सर ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, देखा नहीं। भाई किसी भी रचना को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और विस्तृत पढ़िए। गोदान में गोबर किस शहर से लौटकर अपने गांव की दशा देखता है? कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, लखनऊ। उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और समझ बूझ जानने के लिए प्रेमचंद से उत्तम परिचायक और कोई नहीं है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। झुनिया का पहला पति कहाँ पर दूध की दुकान खोले हुए था, जो दंगे में मारा गया था? बम्बई, लखनऊ, नैनीताल, मसूरी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, बम्बई। भाई साहित्य आप तो पता है, साहित्य सागर है। प्रश्न दो ही चार प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं परीक्षाओं में और हमेशा हर बार आपको नया प्रश्न मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, रचनाएं वही हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार आपने जी जान लगाकर पूरी मेहनत लगन से पढ़ लिया तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फिर विस्तृत आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि हमारे यहाँ एक एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, सिलेबस की एक एक चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। किस उपन्यासकार को कृषि संस्कृति का वेदव्यास कहा जाता है? कृषि संस्कृति का वेदव्यास। आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रेमचंद को कहा जाता है। किस उपन्यास को महाभारतीय स्थापत्य का आधुनिक विन्यास माना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, गोदान को महाभारतीय स्थापत्य का आधुनिक विन्यास माना जाता है और प्रेमचंद को कृषि संस्कृति का वेदव्यास। गोदान का कथानक किसान महाजन संघर्ष को लेकर रचा गया है। उच्च वर्ग केवल चरित्र की पूर्णता के लिए है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा की रचना आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेमचंद और उनका युग। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो प्रेमचंद और उनका युग जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पर रामविलास शर्मा ने कहा है,
कि गोदान का कथानक किसान महाजन संघर्ष को लेकर रचा गया है, उच्च वर्ग केवल चरित्र की पूर्णता के लिए है। क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो भाई, ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? गोदान उपन्यास में उपरोक्त कथन किसका है? तो ये होरी से कहती हैं धनिया। कथन किसका है? धनिया का है। धनिया किससे कहती हैं? होरी से कहती हैं। बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेम्बरी के लिए क्यों खड़े हों? गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, गोबर का यह कथन है। होरी पर व्यंग करते हुए कहता है गोबर, गोबर यह कथन कहता है होरी पर व्यंग करते हुए कि बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेम्बरी के लिए क्यों खड़े हों? जूनिया बेलारी की मालती है, कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, जगदीश पांडे का है। जगदीश पांडे का, ध्यान रखिएगा। गोदान की समीक्षा अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, गोदान की समीक्षा में आपको यह ज़रूर मिलेगा। और इसमें एक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, गोदान की समीक्षा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर आप पढ़ लीजिए, उसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया है। हाय मेरे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वो भी मुझे ना पूछेगा, लेकिन पूछे या ना पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, सिलिया का है। सिलिया ये कब कहती है? जब हरखू चमार के द्वारा माता दीन के मुंह में हड्डी का टुकड़ा जबरदस्ती डाला जाता है, तब सिलिया कहती है। गोदान का निम्न में से कौन सा कथन खन्ना का है? तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसके पांव की धूल नहीं हो। मैंने तुम्हारे पीछे 1000 रुपये लुटा दिए मालती। आज के मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां पर आप एक मिनट भी रह जाएं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। कपड़े तो वे पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते भी ना पोछेंगे। इनमें से कौन सा कथन खन्ना का है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, या सभी, एक दो तीन? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, एक और दो। पहला और दूसरा कथन खन्ना का है, लेकिन तीसरा कथन मेहता का है। पहला कथन जो ये है खन्ना का, खन्ना गोविंदी से कहता है कि तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसके पांव की धूल नहीं हो। गोविंदी से कहता है, मैंने तुम्हारे पीछे 1000 रुपये लुटा दी, ये खन्ना मालती से कहता है। जबकि जो तीसरा कथन है ये मेहता खन्ना से कहता है। मेहता किससे कहता है? तो खन्ना से कहता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 का ए, एक और दो। गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। गोदान में प्रेमचंद ने पहली बार भारतीय किसान के अंधकारमय भविष्य को प्रस्तुत किया है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, निर्मल वर्मा का है। गोदान में प्रेमचंद ने पहली बार भारतीय किसान के अंधकारमय भविष्य को प्रस्तुत किया है, ये निर्मल वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न देखें, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग, अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मालती, मेहता, खन्ना, गोबर? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मेहता का कथन है। राग दरबारी उपन्यास में ग्राम प्रधान कौन बनता है? जोगनाथ, सनीचर, रंगनाथ, रूपन बाबू? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सनीचर, जिसका नाम मंगलदास भी है। तो 16 का उत्तर आपका बी होगा। ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, राग दरबारी में यह कथन किसका है? तो यह कथन है रंगनाथ का, रंगनाथ का कथन है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है, कथन किस उपन्यास का है? मैला आंचल, गोदान, राग दरबारी, बलचनामा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, राग दरबारी।
धरती धन्ना अपना उपन्यास की कथा वस्तु कहाँ की है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, पंजाब। अब आप कहेंगे कि सर पंजाब में, इसमें तो मैंने नहीं पढ़ा है। भाई पंजाब के, ध्यान से अगर पढ़िए तो वहाँ पर आपको मिलेगा पंजाब के जो होशियारपुर है, होशियारपुर के घोड़ोवाहा गांव के चमादड़ी मोहल्ले की ये कहानी है। पंजाब के होशियारपुर गांव के होशियारपुर के घोड़ेवाहा गांव के चमादड़ी मोहल्ले का है ये पूरा कथा वस्तु। तो आपका उत्तर हो जाएगा, जब प्रदेश पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, पंजाब। काली की प्रेमिका ज्ञानों को कौन मार देता है? अब काली किसकी पात्र है? तो धरती धन्ना अपना, आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। काली की माँ, काली का पिता, ज्ञानों का पिता, ज्ञानों का भाई व माता। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ज्ञानों का भाई व माता उसे संख्या देकर मार देते हैं। धरती धन्ना अपना में उल्लिखित सामलात भूमि क्या है? सामलात भूमि किसे कहा जाता है? गांव के सभी गरीबों की साझी जमीन, गांव के मंदिर की जमीन जिस पर पुजारी का हक है, मंगू के ननिहाल वालों की जमीन, गांव के जमींदारों की साझी जमीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, गांव के जमींदारों की जो साझी जमीन है उसी को कहा जाता है सामलात भूमि। फणीश्वरनाथ रेणु ने उपन्यास का शीर्षक मैला आंचल किसके कविता से लिया है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, दिनकर। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत की कविता से फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल शीर्षक लिया है। मैला आंचल के कथानक के आधार पर किसने फणीश्वरनाथ रेणु को नादान कथाकार कहा है? इंदु प्रकाश पांडे, नलिन बिलोचन शर्मा, रमाशंकर त्रिपाठी, गोपाल राय। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, इंदु प्रकाश पांडे। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास का नाम कलंक मुक्ति भी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, दीर्घतपा का अन्य नाम कलंक मुक्ति भी है। पलटू बाबू रोड उपन्यास की कथा भूमि कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, बैरागाछी। बैरागाछी पलटू बाबू रोड का है। बाकी आप देखेंगे परानपुर गांव तो ये तो परती परिकथा में है, बांकीपुर दीर्घतपा में है, मैलांचल में मेरीगंज है। तो ये मिलाने के लिए भी इससे प्रश्न आता है, तो इसलिए इन सबको आप लोग जरूर ध्यान रखें, कथा भूमि को जरूर ध्यान रखिएगा। कथा भूमि से अक्सर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। इसके अलावा प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए लोग हैं, अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर साहित्य की एक झलक लिखकर भेजेंगे तो आपको जो सीरीज चल रही है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज से निबंध की इकाई हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है। निबंध की इकाई से नया बैच चल रहा है, चाहे आप UPSC के लिए लग रहे हों, UGC नेट के लिए हों या TGT PGT के लिए हों। साहित्य आपको इस स्तर तक पढ़ाया जाता है कि किसी भी परीक्षा में बैठेंगे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लगभग सारी चीज़ें, सारे प्रश्न आपको नोट से ही मिलेंगे, अलग से कोई भी रचना कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो फीस और सारी जानकारी के बारे में हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। निम्न में से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, देवेंद्र सत्यार्थी, अज्ञे। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, देवेंद्र सत्यार्थी। निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती हैं कि डॉक्टर बाबू लर लगाकर देखिए ना, यहाँ लर का आशय क्या है? यह कथन जो दिया गया है, आगे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, मैला आंचल का यह कथन है। और इसमें जो लर शब्द आया है, लर का अर्थ होता है स्टेथोस्कोप, जिसे आप साधारण भाषा में कहते हैं आला, जो डॉक्टर आला लगाते हैं, आला होता है जिसे हार्टबीट वगैरह देखते हैं, तो ये आला है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, स्टेथोस्कोप। मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे डॉक्टर साहब,
मुझे और कोई काम दीजिए, यह किसने कहा है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा, यह कथन है बावन दास का। किसका है? बावन दास का। रुपये को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, कथन किसका है? तो ये महंत सेवादास का कथन है, महंत सेवादास का कथन। अरे जात धर्म फुलिया, तू हमारी रानी है, तू हमारी जाति, तू ही धर्म, तू ही सब कुछ, यह कथन किसका है? सहदेव, बालदेव, बावन दास, कालीचरण। आपका उत्तर हो जाएगा ए, यह कथन सहदेव का है। मैलाचल में धूल है, कीचड़ है, क्यों? जो भूमिका में लिखा गया है कि मैलाचल में धूल भी है, सूल भी है, कीचड़ भी है, गुलाब भी, तो अगर ये लिखा गया है तो क्यों धूल है, कीचड़ है, क्यों? तहसीलदार विश्वनाथ की घुसखोरी के कारण? हुजूर, लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है, क्या इस कारण जो प्रथाएं चल रही हैं? सहदेव फुलिया के साथ प्रेम के बहाने शोषण करता है, क्या इसके कारण कहा गया है? या बावन दास जैसा त्यागी आदमी की आत्मा जलेबी और तारा देवी की देह भोगने के लिए लालायित हो जाता है, क्या इसलिए कहा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, बावन दास जैसा त्यागी आदमी की आत्मा जलेबी और तारा देवी की देह भोगने के लिए लालायित हो जाता है, इसी कारण कहा गया कि मैला आंचल में धूल है, कीचड़ है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या हुआ, जमींदारी को घोलकर पी जावेगा, कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा सी, हर गौरी का यह कथन है। किसका कथन है? ध्यान रखिएगा, हर गौरी का कथन है। अगला प्रश्न, भौजी भी बहुत अनमनी थी, और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने, भौजी बोरसी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी, बालदेव गप सुनाता रहता है, कहाँ के गप? जेल की। उपरोक्त कथन में जो बोरसी शब्द आया है, इस बोरसी का आशय क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, अंगीठी। बोरसी का मतलब होगा यहाँ पर अंगीठी। अगला प्रश्न, गांव के लोग बालदेव को टुरवा कहते हैं, टुरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पागल, गरीब, धृष्ट, अनाथ। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अनाथ। भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए, यह तीन रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा, यह कथन वासुदेव का है। उत्तर हो जाएगा आपका सी, वासुदेव का है। ज्योतकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं, जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहां जो कुछ ना हो वो थोड़ा है, गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्मी का कथन है ये। यह कथन किसका है? ध्यान रखना, लक्ष्मी का है। मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, यह किसका कथन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कालीचरण का कथन है। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर प्रशांत का है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यह कथन बालदेव का है। जगदीश चंद्र को धरती धनना अपना शीर्षक का सुझाव किसने दिया था? मूर्ति चड्ढा, सोमानंद, मखमूर, देव सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मूर्ति चड्ढा। जगदीश चंद्र को धरती धनना अपना शीर्षक का सुझाव मूर्ति चड्ढा ने दिया था। जगदीश चंद्र के किस उपन्यास का पूर्व नाम पूरा आदमी था? यादों का पहाड़, धरती धनना अपना, नरक कुंड में वास, जमीन तो अपनी थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यादों का पहाड़। यादों का पहाड़ जो उपन्यास है, इसका पूर्व नाम था पूरा आदमी। इस उपन्यास को लिखने की कोई योजना नहीं बनाई और ना ही इसके प्लाट गढ़ने के चक्कर में पड़ा, यह कथन जगदीश चंद्र ने अपने किस उपन्यास में कहा है? यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए,
यादों का पहाड़ की भूमिका में उन्होंने कहा है कि इस उपन्यास को लिखने की कोई योजना नहीं बनाई और ना ही इसके प्लाट गढ़ने के चक्कर में पड़ा। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। उपरोक्त कथन जगदीश चंद्र ने अपने किस उपन्यास की भूमिका में लिखा है? धरती धन्ना अपना, जमीन अपनी तो थी, नरक कुंड में वास, यादों का पहाड़। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, धरती धन्ना अपना, इसी की भूमिका में, जो आपके पाठ्यक्रम में है यूजीसी नेट में, इसी की भूमिका में उन्होंने कहा कि यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां हैं और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। धरती धन्ना अपना में काली अपना पक्का मकान बनाने की सलाह किससे लेता है? नंद से, मंगू से, छज्जू से, हरदेव से? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, छज्जू से। किससे लेता है सलाह? छज्जू से लेता है। आपका बंटी उपन्यास में अजय किस लड़की से शादी करता है? मीरा, फूफी, अमी, ज्योत? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मीरा से। अगला प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास के बारे में असत्य विकल्प कौन सा? हाँ, एक बात और याद आ गई, कई लोग मैसेज करते हैं, जब यह साहित्य की एक झलक व्हाट्सएप पर भेजा गया, जिन लोगों ने कहा सर भेज दीजिए, कहते हैं सर इसमें आंसर तो नहीं है। भाई वीडियो भी दें, आंसर भी दें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। दूसरी चीज, जब आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कैसे आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे? भाई पीडीएफ आपको मिल गया, वीडियो में आप उससे आंसर चेक करते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप लिख रहे हैं साहित्य की एक झलक सीरीज 12, 12 का आंसर आगे लिख लिया, फिर 13 देख रहे हैं साहित्य की एक झलक 13, उसका आंसर आपने लिख लिया, साहित्य की एक झलक 14 आपने उसका आंसर लिख लिया, और जब पीडीएफ आप खोलिए पढ़ने बैठिए तो साथ में आराम से आप एक एक आंसर पढ़ते जाइए, मिलाते जाइए, वीडियो भी देखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ है, मेहनत ना करने वालों के लिए तो हर जगह दिक्कतें आएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग ना करें, मेहनत करें, जो भी चीज़ें दी जा रही हैं उस पर वर्क करें। आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है व्हाट्सएप पर, आपको वीडियो दे दिया जाता है आंसर का, एक एक चीज़ आपको बता दी जाती है, तो ज़रूर आप वीडियो देखें, उससे आंसर अपना करते चलें और आगे बढ़ें। आपका बंटी उपन्यास के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? शकुन अपनी दूसरी शादी डॉक्टर प्रशांत से करती हैं। बंटी अपने पिता अजय के साथ रहने कलकत्ता जाता है। बंटी का दोस्त टीटू है। बंटी को शकुन बचपन से पसंद करती हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, आपका बंटी उपन्यास के बारे में गलत कौन सा है? शकुन अपनी दूसरी शादी डॉक्टर प्रशांत से नहीं, डॉक्टर जोशी से करती हैं। जल्दबाजी में, मैंने ये टेस्ट सीरीज दिया था एक बार, जल्दबाजी में सभी लोगों ने बी सी डी में से किसी एक को मान लिया था, ज़्यादातर लोगों ने तो डी मान लिया था, कुछ लोगों ने बी मान लिया था, ए पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, एक एक शब्दों पर ध्यान दें, और शब्दों पर ध्यान ना देने के कारण परीक्षा में जो आप जल्दबाजी करते हैं, 3 से 4 प्रश्न इजी वे में आप गलत करके आते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि आप सफलता तक पहुंचते पहुंचते और पीछे हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि आप लोग जल्दबाजी करते हैं परीक्षा में, शब्द जो शब्द दिए होते हैं उन प्रश्न में शब्दों पर ध्यान ना देकर जल्दबाजी में प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैं बार बार, मेरा यही सुझाव है, मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जल्दबाजी बिल्कुल भी आप लोग ना करें, और जो चीज़ आप यहाँ सीख लेंगे वही आप परीक्षा में जब करेंगे तो फिर इसका लाभ आपको मिलेगा। आपका बंटी उपन्यास के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? यह सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में से एक है। अजय की दूसरी पत्नी मीरा है। बंटी तलाक का अर्थ अपने पिता अजय से पूछता है, गलत है, अपनी माँ से पूछता है, वकील से पूछता है। अजय और शकुन ने
अहम की वजह से समझौता नहीं हो पाता, बिल्कुल सही है। तो इनमें से गलत विकल्प कौन सा होगा? असत्य विकल्प हो जाएगा आपका सी। बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूँ। लेखिका का समय और सहानुभूतिशील संवेदना इस रचना में प्रकट हुआ है। आपका बंटी उपन्यास के बारे में यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यह कथन जैनेन्द्र कुमार का है। आपका बंटी उपन्यास किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप साहित्य की एक झलक लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, ये नंबर है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि आप पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस का आपको पीडीएफ नोट्स, डेली आपको टेस्ट सीरीज, डेली आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर, डेली आपको लाइव क्लास, कंप्लीट सिलेबस होगा, परीक्षा से पहले सिलेबस आपका रिवाइज भी कराया जाएगा एक बार, तो दो बार आपका सिलेबस होगा, एक बार पूरा डिटेल चलेंगे, दूसरी बार रिवीजन भी आपको कराएंगे। तो अगर वो बैच आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी साहित्य की एक झलक सीरीज 15 में हम लोग कल फिर मिलेंगे।